बेल्कम ब्रांड आज है 14 नवंबर 2019। 14 नवंबर से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, साथ में सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आरटीआई के दायरे में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू कब हुआ था? ये आपके 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। जो निर्णय है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने दिया है। इसमें आपको याद रखना है, जब अगर 5 जज की बेंच होती है तो उसे संवैधानिक पीठ बोला जाता है, ठीक है? उसे क्या बोला जाता है? संवैधानिक पीठ बोला जाता है। अब जो है कोई भी व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश के जो कार्यालय है उनसे कोई भी जवाब मांग सकता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कोई भी जो निजी चीज़ है उसकी जानकारी आप नहीं मांग सकते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि 18 नवंबर को जो है भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है? ये 18 नवंबर को शपथ लेंगे, जबकि 17 नवंबर को जो आपके हैं रंजन गोगोई रिटायर हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में। बेस का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत। और कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है, जब राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करती है, तो जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं कि जो राज्य में ठीक ढंग से संवैधानिक मशीनरी काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद जो रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रपति जो हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत। आप लोग कभी कभी देखते होंगे आर्टिकल 352 ये क्या है, इसमें आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 360 है वो आपके वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, लेकिन भारत में आज तक कभी भी आर्टिकल 360 लागू नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के बारे में देख लीजिए, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोशियारी, और राजधानी कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने तेल के नए ऑयल फील्ड की खोज की है? तो किस देश ने की है? ईरान ने। शेष का राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ईरान के खुजस्तान प्रांत में 53 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार का पता चला है, ठीक है? अब देखिए ईरान के बारे में, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल है। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? हसन रूहानी आपके ईरान के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मॉरिशस के। शेष का राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉरिशस है आपका हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। जो मॉरिशस है आपके 1968 ईस्वी में अंग्रेजों से आज़ादी मिली है मॉरिशस को, ठीक है? 1968 ईस्वी में। अब देख लीजिए मॉरिशस के बारे में, इसकी राजधानी है पोर्ट लुई, और मुद्रा आपका है मॉरिशस रुपया, वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत में बांग्लादेश के नया उच्चायुक्त या राजदूत कौन बने हैं? तो मोहम्मद इमरान बने हैं। डेस का राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद इमरान से पहले भारत में बांग्लादेश के राजदूत कौन थे? सैयद
मुअज्जाम अली। ठीक है, अब देखिए कुछ बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में SBI की आर्थिक अनुसंधान टीम ने भारत का GDP पूर्वानुमान को 6.1% से घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है, 5% कर दिया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके GDP को घटाया क्यों है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वैश्विक मंदी के कारण। साथ में ये भी आपको याद रखना है कि SBI की आर्थिक अनुसंधान टीम ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 में भारत का विकास दर कितना होगा, 6.2%। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए SBI के बारे में, SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार है। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 1998 इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो आपको याद रखना है, इसका उद्घाटन करेंगे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया इसका उद्घाटन करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो एरोस्पेस दवा के विषय में समकालीन मुद्दों और अनुप्रयोगों को संबोधित करना इसका उद्देश्य है। और थीम क्या आपका है? थीम है चेंजिंग पैराडिग्म इन एरोस्पेस हेल्थ केयर, इसका थीम है। इसे आयोजित कौन कर रहा है? तो इसे आयोजित कर रहा है एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान, इसे आयोजित कर रहा है। और कब आयोजित किया जाएगा? 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में SCO की राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, 2019 में शंघाई सहयोग संगठन का बैठक कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है, ताशकंद में किया गया है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, इसमें भारत कब शामिल हुआ था? भारत इसमें 2017 ईस्वी में शामिल हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में शामिल हुए थे। अब वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? तो 8 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री। वो कौन कौन कंट्री है इसे आप लोग देख लीजिए, चीन, रूस, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान। ये 8ों देश आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 26 अप्रैल 1996 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो कब मनाया गया है? तो 13 नवंबर को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस आपके 7 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये वर्ल्ड काइंडनेस डे पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1998 ईस्वी में मनाया गया था। और किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? तो वर्ल्ड किंडनेस मूवमेंट संगठन के द्वारा, वर्ल्ड किंडनेस मूवमेंट संगठन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसे आयोजित कौन कर रहा था? तो CSIR इसे आयोजित कर रहा था, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसे आयोजित कर रहा था। CSIR के महानिर्देशक कौन है? शेखर सी मांडे। कौन है? शेखर सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का 39वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे MSME मंत्री नितिन गडकरी। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ में आपको याद रखना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में, इस मेला में केंद्रित राज कौन होगा? केंद्रित राज कौन होगा? तो बिहार और झारखंड होगा। साझेदार देश कौन होगा? तो साझेदार देश आपके अफगानिस्तान होगा। कौन सा देश होगा? अफगानिस्तान होगा। और केंद्रित देश का दर्जा किसे दिया गया है? कोरिया गणराज्य को दिया गया है, याद रखिएगा, कोरिया गणराज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में बाल दिवस के अवसर पर शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? असम में। बीस का राइट आंसर हो जाएगा। और शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या होगा? नागरिकों में नई पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। साथ में इस ऐप के माध्यम से नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत सीधे आयोग में पंजीकृत किया जाएगा। जो आयोग होगा इसका, वहां पर आपके सीधे शिकायत को पंजीकृत किया जाएगा। कुछ असम के बारे में देख लीजिए, तो वर्तमान में असम के CM हैं सर्वानंद सोनेवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, राजधानी दिसपुर है। और असम में एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपके एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए कल का क्वेश्चन, पिछले वीडियो पर जो आधारित प्रश्न था उसका उत्तर देख लीजिए। हाल ही में WEF की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? दावोस में। सेस का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में केंद्रीय और सांख्यिकीय संगठनों के 27वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब के कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। और आप लोग को कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।